दोस्तों कैसे हो। रैम के बारे में बोलने वाला हूँ, आखिर में रैम होता है क्या, 2GB 3GB ये सब है क्या, DDR1 2 3 4 5 ये सब होता है क्या, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं हूँ भास्कर, आप देख रहे हो टेक्नो इन। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए, रैम फुल फॉर्म तो जानते ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअली ये है मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। क्यों है मेन मेमोरी, जस्ट वेट कीजिए, कुछ देर के बाद बोलने वाला हूँ। एंड एक्चुअली इट्स ए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल यानी कि जैसे वाटर वोलेटाइल होता है वैसे ही ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी कि क्या उड़ जाता है, यानी कि इसमें जो डाटाज या जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रहता है वो उड़ जाता है, मतलब ये डिलीट हो जाता है जब आप कंप्यूटर या जो पार्टिकुलर प्रोग्राम को बंद करेंगे। रुकिए, समझ में नहीं आ रहा है, देन जस्ट ए मिनट। देखिए, इट्स ए मेन मेमोरी यानी कि जब हम लोग का जो ब्रेन होता है, सीपीयू का जो ब्रेन यानी कि प्रोसेसर जब काम करता है या कुछ फाइल्स के साथ एक्सेस करना होता है या जब भी आप कोई गेम खेलते हो, देन जो है ये डायरेक्टली हार्ड ड्राइव के साथ एक्सेस नहीं होता है, ये रैम के साथ एक्सेस होता है। यानी कि रैम जो है, मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखना चाहते हो, देन वर्ड का एक जो टेम्पोरी फाइल्स रैम में आ जाता है एंड वो उसी को हम लोग एक्सेस करते हैं, उसी में लिखते हैं। जब सेव करने के बाद वर्ड फाइल को क्लोज कर देंगे, देन वो फाइल रैम से हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। एंड अगर आपको आप देखना चाहते हो एक्चुअली ये जो रैम मतलब जो टेम्पोरी फाइल्स है कैसे रहता है, वर्ड आप डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे एक खोल लीजिएगा, उसको ओपन कीजिएगा एंड उसके बाद उसको मिनिमाइज करने के बाद जो हिडन फाइल्स ऑन कीजिएगा एंड जो सिस्टम प्रोटेक्टेड फाइल्स उसको भी अनचेक कर दीजिएगा, देन देखिएगा कि उसी जो फाइल नेम, उस फाइल नेम के सेम मान लीजिए माय डॉक्यूमेंट, वो सेम पर सामने में एक डॉलर सिंबल आएंगे, तो वही है जो टेम्पोरी फाइल जो हम लोग एक्सेस करते हैं। वैसे ही जो अगर मान लीजिए आप गेम खेलना चाहते हो, देन गेम का जो फाइल्स होता है लोड होने के लिए या प्ले करने के लिए वो रैम में आ जाता है, देन प्रोसेसर उसको एक्सेस करते हैं एंड हम लोग जो है गेम खेलते हैं। तो यही है रैम एंड ये इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। एंड वोलेटाइल यानी कि मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ काम कर रहे हो या आप जो है गेम खेल रहे हो एंड सडनली आपका कंप्यूटर जो है बंद कर दिए हो, देन जो है जो फाइल्स उस रैम में था वो डिलीट हो जाता है। मतलब व्हेन एवर यू स्टार्ट योर पीसी, मतलब आप जब कंप्यूटर को ऑन करेंगे, देन जो रैम में कुछ नहीं रहता है, वो कुछ सिस्टम फाइल्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में चाहिए वो होता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। जितना आप काम करेंगे, मान लीजिए आप एक साथ एक गेम, वर्ड जो है, फोटोशॉप या एडोबी प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग सब खोल के रखे हो, देन जो है वो जो रैम था वो फुल हो जाएंगे। अगर काफ़ी बड़ा रैम है देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसीलिए बोला जाता है कि कुछ रैम को जो है हम लोग बढ़ाना होता है, इंक्रीज द रैम साइज। तो मान लीजिए 2GB का एक जो है रैम है एंड आप जो गेम खेल रहे हो उसमें जो फाइल्स होता है लोड होने के लिए वो काफ़ी बड़ा है, 4GB है, देन आपका जो है गेम लोड ही नहीं होंगे, अगर लोड भी होते हैं देन जो है वो हैंग करेंगे। तो इसीलिए अब बड़ा रैम चाहिए बड़ा गेम खेलने के लिए, बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए। मान लीजिए आप 8GB का जो है एक रैम है एंड आप एडोबी प्रीमियर प्रो ओपन करके रखे हो जिसमें 1.5GB का साइज लेता है रैम में एंड ऑल्सो फोटोशॉप उसमें भी 1.5GB, तो 3GB हो गया। उसके बाद एक गेम खेल रहे हो वो 1GB, तो हो गया 4GB, बाकी 4GB स्पेस अभी भी अवेलेबल है, यानी कि कुछ आम हम लोग जो है दूसरा कुछ भी जो है हम लोग ओपन कर सकते हैं एंड काम में लगा सकते हैं। तो यही है रैम एंड रैम साइज। रैम साइज यानी कि 2GB 4GB ये सब होता है डाटा होल्डिंग कैपेसिटी, तो कितना वो लोड ले सकता है, कितना कैपेसिटी है। एंड नेक्स्ट हो गया DDR 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, DDR 1 2 3, अभी DDR 4 और DDR 5 वो होता है क्या, वो है टेक्नोलॉजी, ये है डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड। जो हम लोग जब भी कोई गेम खेलते हैं जो प्रोसेसर रैम एंड हार्ड ड्राइव के साथ जो लेन देन होता है फाइल्स का, वो स्पीड कितना स्पीड में जाता है वही है डाटा, मतलब डाटा ट्रांसफरिंग स्पीड। जैसे हम लोग कुछ भी मेमोरी कार्ड खरीदते हैं देन हम लोग देखते हैं कितना MB राइट दे कैन राइट पर सेकेंड, तो कितना सेकेंड में कितना मतलब MB का फाइल जो है वो राइट कर सकता है उस मेमोरी कार्ड में, वैसे ही DDR 1 2 3 4 5 कितना स्पीड फाइल्स अप डाउन होता है या जो लेन देन होता है उसी के बारे में होता है DDR 1 2 3 4 5, ये सब टेक्नोलॉजी। तो यही है रैम जो कि फुल मेमोरी मेन मेमोरी है
वॉलेटाइल मेमोरी है एंड ऑल्सो जो 2GB 3GB डाटा होल्डिंग कैपेसिटी एंड DDR1/2/3/4/5 ये है टेक्नोलॉजी। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।